नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, तूफान उठ गया है पूरे के पूरे निफ्टी में दोस्तों, पूरे बाजारों में, खास करके बैंकिंग सेक्टर में। और अगर आपको याद हो, मैंने कल रात को जो वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि एक जबरदस्त तेजी दिख रही है मुझे, और यूएस फेड अगर 0.25% की तेजी बनाता है, अगर तो बढ़ाता है यूएस के इंटरेस्ट रेट को, तो आप आज बाजार में जबरदस्त तेजी देखेंगे। और सेम एग्जैक्टली वैसे हो रहा है दोस्तों, जबरदस्त तेजी है। और देखिए, एक बात को समझिए जो मैं आपको आगे बताऊंगा, कि जब चीजें अच्छी होती है ना, मोमेंटम अच्छा होता है, तो बुरी सी बुरी खबरें भी चुपचाप से छुप जाती हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बैंकिंग स्टॉक में इतनी जबरदस्त तेजी क्यों हो रही है, और आने वाले समय में क्या ये तेजी और भी तेज होगी, इन तमाम सवालों पे दोस्तों मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी आपके लिए इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी। लेकिन मैं एक चीज बताऊं दोस्तों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर किया कीजिए, चैनल को सर्च करके देखा कीजिए, क्योंकि यूट्यूब ने पूरी पूरी जो रीच थी उसे पूरी तरह से किल कर दिया दोस्तों। इसलिए प्लीज आपसे मेरी दरख्वास्त है, जरूर से जरूर दोस्तों वीडियोस देखें, खास करके कभी कभी दोस्तों प्लीज सर्च कर लिया कीजिए द रिटेल इन्वेस्टर, वहां जाके वीडियोस देखिए, या मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, मैं वहां सारी वीडियोस शेयर करता हूं, वहां से जरूर आपको देख लीजिए, आप जाके देख लिया कीजिएगा। अब चलते हैं सीधा दोस्तों निफ्टी की तरफ। लगभग 3:25 में मैं वीडियो बना रहा हूं, 2% के आसपास की तेजी है दोस्तों, ठीक है। निफ्टी मतलब बता दें आपको, जबरदस्त तरीके से तेजी दिखा रहा है। ऐसा क्यों हुआ है, देखिए दोस्तों, अगर कल आपको याद हो मैंने कहा था जो यूएस फेड है दोस्तों, ठीक है, जो यूएस फेड है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा 0.25% की, अगर बढ़ाता है, जो कि बाजार ने ऑलरेडी 0.25% को डाइजेस्ट कर दिया है, बहुत समय से डिस्काउंट चल रहा है। आज की जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाली है जो यूएस फेड, उसको बहुत समय से, कह लीजिए उस नीस को अपने अंदर समाहित किया हुआ था निफ्टी, और जब 0.25 आया उसके बाद शानदार तेजी आ रही है, क्योंकि बाजार को ये बात कंफर्म थी। और मैं हमेशा बात कहता हूं, बाजार को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाजार को जब लगता है यार कुछ अनसर्टेनिटी हो रही है, तो बहुत निगेटिवली दोस्तों रिएक्ट करता है, और जब उसे लगता है कि हाँ ऐसा ही होने वाला है और ऐसी होता है, तो वही हो रहा है जो आज हो रहा है। थोड़ा सा ही थोड़ा राइमिंग में निकल गया दोस्तों मैं, लेकिन जो तेजी है उसके पीछे का कारण यही है दोस्तों, ठीक। पहला रीजन हो गया। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा यही है कि जो क्रूड ऑयल है दोस्तों, वो $100 प्रति बैरल से नीचे चल रहा है, ठीक है, $100 प्रति बैरल से नीचे हो रहा है, और वहां सेटल डाउन होता है वो दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ये काफी अच्छा लगेगा, मुझे काफी अच्छा लगता है कि ये भारत बाजारों के लिए काफी अच्छा है। रशिया से हमने सुनने में आ रहा है कि रशिया से जो इंडियन ऑयल है उसने डिस्काउंटेड प्राइस में लगभग 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीद लिया है दोस्तों, ठीक है, ये भी काफी अच्छी चीज है। तो ये तमाम चीज दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से संकेत कर रही है, बाजार को एक जबरदस्त दिशा दे रही है, एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखा रही है। रशिया यूक्रेन, अगर आपको मैं बताऊं, जो यूएस फेड की मीटिंग हुई दोस्तों, ठीक है, जो यूएस फेड की मीटिंग हुई उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो 0.25% से जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, उससे भी ज्यादा अच्छी चीज लगी लोगों को, जो उन्होंने नोट्स दिए हैं, ठीक है, नोट्स का मेरा मतलब है जो उन्होंने वहां कहा है, बात कही है उनकी। अगर आप जो उन्होंने कहा है उनमें अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे, आपको पता चलेगा कि उनके सामने सबसे बड़ा जो उन्हें डर है वो है दोस्तों इन्फ्लेशन का, ठीक है। किस बात का डर है, वो है दोस्तों डर है उनको इन्फ्लेशन का, और वही अपनी बात में, अपनी जो बातों में लगातार वो इन्फ्लेशन की ही बातें कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज, किस चीज का डर है, रशिया यूक्रेन की अगर आप बात करें तो उनसे वो ज्यादा प्रभावित नहीं है दोस्तों। कईयों को ये डर था कि भाई जो वो लगातार कह लीजिए जो लिक्विडिटी बढ़ा रहे थे, अब उन्हें दिखेगा कि वॉर हो रही है, उसके कारण कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ सकते हैं, और वापस से जो यूएस है वो जो लिक्विडिटी क्वांटिटेटिव ईजिंग है उसे बढ़ा सकता है, तो क्या ऐसा हो सकता है। देखिए मुझे ये लग रहा है, अब फेड जो है एक मन बना लिया है कि भाई इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल में लाना है, और उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का की जो रफ्तार है वो आपको आने वाले समय में जबरदस्त तेज होती हुई दिखाई दे सकती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, आपको याद हो मैंने कहा था कि जब सब कुछ अच्छा चलता है ना, तब कोई भी निगेटिव चीज की बात नहीं करता। देखिए अब जब सब अच्छा चल रहा है, चाइना, ठीक है, प्लस साउथ कोरिया, ठीक है, प्लस चाइना साउथ कोरिया प्लस इजराइल,
ठीक है, इसराइल और भी एक दो देश है दोस्तों, प्लस एक दो देश और हैं जिनमें कोरोना वायरस के केसेस जबरदस्त बढ़ रहे हैं। और चाइना दोस्तों अपने 2-3 साल में अब तक की सबसे बड़ी कह रही चुनौती का सामना कर रहा है, जब पूरा विश्व खुल रहा है चाइना में वापस से ओमिक्रॉन जो वायरस है वापस आ रहा है, और जो क्रूड ऑयल जो $100 के नीचे सस्टेन कर रहा है दोस्तों, उसके पीछे भी सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है। और देखिए, अगर पहले का समय होता ना तो इस चीज को लेकर के बाजार बहुत ज्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट करता, ठीक है, बहुत ज्यादा निगेटिवली रिएक्ट करता। और अभी जब सब चीजें काफी अच्छे हो रही हैं, मोमेंटम बाइंग हो रही है, यूएस फेड से भी साफ साफ नजर आ रहा है, और रशिया यूक्रेन में 15 पॉइंट पीस की भी बातें चल रही हैं, देखिए ये कितना होता है कितना नहीं होता ये अलग चीज है, लेकिन बातें चल रही हैं, ये अच्छी चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा मसला है दोस्तों, ये जो पूरा मामला है, ये इस बात को दर्शाता है जो मैं हमेशा कहता हूं कि बाजार जब बहुत ज्यादा बुलिश होने में आता है ना, तो नेगेटिव चीजें उसमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती हैं, और जब वो नेगेटिव रहता है यानी कह लीजिए बेयरिश रहता है, तो अच्छी से अच्छी न्यूज भी बहुत ज्यादा नेगेटिव की तरह काम करती है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ये बाजार है, जो निफ्टी है, उसमें आप एक चीज याद रखें कि हमेशा जो गिरावट है जो या कभी होती है, आप देखे होंगे बाजार अभी कुछ समय पहले ही 15 टू 16% के बीच की गिरावट दिखाया है। तो ऐसे समय में हमें दोस्तों क्या करना है, इन्वेस्ट, ठीक है, इन्वेस्ट आराम आराम से एक्यूमुलेट करना है। सबसे पहले कैश रखना है, कैश बचा के रखना है काफी लंबे समय तक जिसका हमें यूज ना हो। और बाजार जब गिरे, ठीक है, बाजार जब गिरे 10-15% जब अभी गिरा था, वहां इत्मीनान से एटलीस्ट स्मॉल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट जरूर करें, क्योंकि देखिए कब कहाँ बाउंस आता है और कब क्या न्यूज फ्लो चेंज हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं रहता दोस्तों। तो यदि आप ये सोच के बैठे रहे भाई कि जब बाजार एकदम से गिर जाएगा या कभी कोई बॉटम बनाएगा तब लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। आप आज देखिए जो वर्लपूल है, ठीक है, वर्लपूल जो कंपनी है उसको देख लें, एशियन पेंट्स जो इतना ज्यादा गिर रहा था, मैंने कहा था प्लीज जो ये गिरावट है बहुत अच्छा मौका है एक्यूमुलेट का, वो कितना तेज 10-12% भाग चुका है दोस्तों। आप जाके देखिए HDFC, ये 10-12% भाग चुका है, 15% या शायद ज्यादा ही भाग चुका है। तो मैं वही कह रहा हूं, जो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, जब एक स्टॉक काफी अच्छे सपोर्ट में आ जाए दोस्तों, अपने बहुत ही ज्यादा लंबे समय के सपोर्ट में आ जाए, वहां एक स्मॉल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट जरूर से जरूर करना चाहिए दोस्तों। और मैं इसीलिए कहता हूं कि सपोर्ट में हमें ये देखना है कि भाई खरीदारी कब करें, ठीक है, क्या हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, खरीदारी करने लायक है, अगर है तो स्मॉल चंक इन्वेस्ट कर दें। और जो एक बड़ा रेजिस्टेंस होता है वहां हमें ये पता लगाना है भाई क्या अगर वापस से गिरावट होती है तो क्या मैं उस कैश को और भी ज्यादा देर तक होल्ड कर सकता हूँ, अगर नहीं कर सकता तो वहां सेल करने की सोचनी है हमको दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार देखिए, अभी जब लगभग 3:30 बजे जब बाजार बंद हो रहे हैं, अभी भी 2% के आसपास है। अब देखना यह है कि जब बाजार सेटल डाउन होता है तो क्या 17,300 से ऊपर क्लोज होता है, और अगर होगा दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़े रेजिस्टेंस को ये तोड़ करके बंद होगा, और हमें ये देखना पड़ेगा। और रात को मैं वीडियो भी लाऊंगा कि क्या क्या जो US बाजार है वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, यूरोपीय बाजार अभी भी तेज है क्या, कल क्या तेजी हो सकती है, इन तमाम चीजों में दोस्तों वीडियो लाऊंगा, ठीक। तो अगर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो दोस्तों, ठीक है। और देखिए एक बात, आप एक बात समझिए कि जो बाजार है ना, जो निफ्टी है, उसमें कोई भी ना कोई बॉटम बता सकता है ना कोई टॉप बता सकता है, ठीक है। और जो पूरा पूरा वर्ल्ड है अभी वो बहुत वॉलेटिलिटी में चल रहा है दोस्तों, और आप देखते होंगे कितना 2-3 दिन के अंदर स्टॉक इतने ज्यादा निफ्टी भाग गए। अब आप मुझे बताइए पिछले 5 दिनों के अगर मैं आपको बताऊं आपको, तो आप देखें इधर ये गिरावट हुई, ठीक है, और उसके बाद तेजी देखें, आप 4% निफ्टी ऑलरेडी तेजी दिखा चुका है 1 महीने में देखें, तो आप देखिए कितना वॉलेटाइल ये सेशन रहा है पिछले 1 महीने का, ये 1 महीने में ये रहा 1 महीने का, ठीक है, ये नीचे गिरा ये नीचे गया फिर ये ऊपर आ गया। पिछले 6 महीने के देखिए, तो ये ज़िगज़ैग लेवल देखिए कितना ज्यादा आपको वॉलेटाइल दिख रहा है पिछले 6 महीने का, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूँ अभी जो बाजार है वो बहुत वॉलेटाइल है दोस्तों, और एनालिस्ट या जो बड़े हाउसेस है उनका मानना यह है कि जो ये साल है, जो इस साल है दोस्तों 2022, ये साल रहेगा दोस्तों कंसोलिडेट का, ये साल रहेगा एक्यूमुलेशन का, ठीक है। आपको बाजार भरपूर मौका देगा आपको कब कब इसे एक्यूमुलेट करना है दोस्तों,
ठीक है। तो ज्यादा एंथुजियास्टिक होके दोस्तों प्लीज निवेश ना करें, कैश रखने की कोशिश करें, गिरावट हो आराम आराम से एक्यूमुलेट करें, अच्छे अच्छे स्टॉक एक्यूमुलेट करें। ये साल थोड़ा कंसोलिडेट वाला रह सकता है और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। लेकिन देखिए, ये मेरी पर्सनल राय है, जो मुझे लगता है, मैं जो न्यूज फ्लो पढ़ रहा हूँ उस हिसाब से मैंने आपसे शेयर कर रहा हूँ चीजें, सिर्फ मेरी कह देने से नहीं जानी दोस्तों, खुद थोड़ी रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें कोई पोजीशन बनाने से पहले। और अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।